नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं भोजपुरी रिमझिम में। दोस्तों, भोजपुरी इंडस्ट्री के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव आए दिन पर दिन जो है वो इतिहास रचते नजर आ रहे हैं। इस कड़ी में खेसारी लाल यादव का जिस तरीके से बंधु 3 दिन 2.0 जो सारेगामा हम भोजपुरी पर रिलीज हुआ था और ये गाना पहले नंबर पर भी कई दिनों तक ट्रेंड किया था और फिलहाल भी ये गाना अभी ट्रेंडिंग में बना हुआ है, तब तक खेसारी लाल यादव ने एक नया कीर्तिमान और नया रिकॉर्ड स्थापित कर दिया है। जी हाँ, बात करें तो सारेगामा हम भोजपुरी पर खेसारी लाल यादव का जो पहला छठ गाना रिलीज हुआ है जिस गाने का नाम नारियल है, ये गाना नया नया कीर्तिमान रचते नजर आ रहा है और ये गाना पूरे देश में दूसरे नंबर पर म्यूजिक सेक्शन में ट्रेंड करने लगा है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि खेसारी लाल यादव का स्वैग कितना है, खेसारी लाल यादव का तांडव कितना है कि गाना रिलीज होते ही ये दूसरे नंबर पर ट्रेंड करने लगा है और वो भी छठ का गाना। तो ये जलवा है खेसारी लाल यादव का। खेसारी फैंस थोड़ा सा और प्यार दे देंगे तो ये गाना एक नंबर पर आ जाएगा और छठ पूजा में नया कीर्तिमान रच देगा। यह बात करें तो 2 नंबर ट्रेंडिंग के साथ इस गाने पर 25 लाख से ज्यादा यानी कि मोर देन 2.5 मिलियन व्यूज इन जस्ट वन डे एंड मोर देन 172K लाइक्स ऑन दैट वीडियो एंड मोर देन 47K कमेंट्स ऑन दैट वीडियो। सो इफ यू टॉकिंग अबाउट द स्टार कास्ट ऑफ दिस सॉन्ग, सो द सिंगर ऑफ दिस सॉन्ग इज खेसारी लाल यादव एंड शिल्पी राज। और इस गाने में जो एक्ट्रेस नजर आई है वो शिल्पी राघवानी है। राइटर की बात करता हूँ तो पवन पांडे है और म्यूजिक आर्य शर्मा के द्वारा डायरेक्ट किया गया है। टीम संजू के द्वारा वीडियो डायरेक्शन है। गाना वाकई कमाल का है, छठ का है, माहौल बना हुआ है और इस माहौल में जिस तरीके से गर्दा खेसारी लाल यादव कर रहे हैं वो वाकई चौंकाने वाला है। तो छोटा सा अपडेट था, 2 नंबर पर ट्रेंड कर रहा था, मुझे लगा आप सभी को ये जानकारी दे देनी चाहिए ताकि आप और भी प्यार दें ताकि ये गाना एक नंबर पर चला जाए। ठीक है, तो वाकई जानकारी बताइएगा। धन्यवाद।